हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टेक्स्ट यूट्यूब पर। मैं हूं आकाश विश्वास और मैं हूं इस वक्त अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच होने वाला है। दिल्ली और मुंबई के बीच की राइवलरी काफी मशहूर है, लेकिन 11 अप्रैल को ये राइवलरी क्रिकेट स्टेडियम में या क्रिकेट के मैदान में दिखेगी, जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मैच के बारे में बात करने से पहले आपको ये बता दें कि दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार कर यहाँ मैच खेलने आई हैं। इनफैक्ट इन दोनों टीमों ने अभी तक जीत का खाता जो है इस टूर्नामेंट में नहीं खोला है। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो वो 3 मैच लगातार हार कर इस गेम में आ रहे थे, तो वही मुंबई इंडियंस जब दोनों मैच हारे हैं और दोनों इसी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि शायद वो 2 पॉइंट, वो वैल्यूएबल 2 पॉइंट्स उनको यहाँ पे मिल जाए। मैच के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उनके असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे मौजूद थे, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सबसे पहले तो पृथ्वी शॉ के बारे में बात की। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये हमें भी पता है, लेकिन वो क्लिक करेंगे नहीं करेंगे ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें अच्छे से मिल नहीं सका, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने प्लेयर्स को बैक जरूर करते हैं और उसी प्रोसेस में पृथ्वी शॉ को भी बजाय इसके कि उनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उनको बैकिंग तगड़ी मिल रही है। इसी के साथ हमने उनसे पूछा था अभिषेक पुरेल, जो ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट हैं, आप सबको पता होगा कार क्रैश में इंजर्ड हो चुके थे ऋषभ पंत और अब वो रिकवरी के स्टेज पर है, जिसकी वजह से वो पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं और उनका रिप्लेसमेंट है अभिषेक पुरेल। तो जब हमने उनसे प्रवीण आमरे से पूछा कि कैसे आप अभिषेक पुरेल को बिल्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा यही जवाब दिया कि पिछले मैच में जो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन भी दिखाया था, उसी से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आगे कहां तक जाने वाले हैं। और उसके बाद आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से कैमरन ग्रीन। जी हाँ, कैमरन ग्रीन इस सीजन में मुंबई इंडियंस के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, तो उनसे हमारे कॉलीग हमारे संवाददाता साहिल ने सवाल किया कि क्या वो प्राइस टैग का प्रेशर आप पे रहता है, तो उसका बड़ा ही हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, प्राइस टैग का प्रेशर ऐसा कुछ है नहीं, उनका काम है कि बस अपना परफॉर्मेंस 100% रखना है। उसके बाद फिर हमने उनको मैदान में भी देखा। अच्छा, प्रैक्टिस जब हम दोनों टीमों का प्रैक्टिस जब हमने गौर से देखा तो हमें मुंबई इंडियंस के नेट्स पे कप्तान रोहित शर्मा नजर आए और उन्हीं के साथ नजर आए सूर्य कुमार यादव। आपको पता ही होगा सूर्य कुमार यादव का फॉर्म इस वक्त उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करूँ तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। दूर से देखने में उनकी बैटिंग हमें काफ़ी मज़ेदार लगी, उन्होंने 2 लंबे सिक्स भी मारे जो सीधे जाके स्टैंड्स में गिरे। लेकिन वहीं अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव थोड़े से अपने ऑफ कलर दिखे, जो उनका एक स्टाइल ऑफ बैटिंग में जो अग्रेशन है उनकी बैटिंग में, जो घूम घूम के शॉट्स मारते हैं, जिसकी वजह से उनको मिस्टर 360 कहा जाने लगा है, दैट वॉज मिसिंग समवेयर, दैट टच वॉज मिसिंग समवेयर। मुंबई इंडियंस के नेट्स के पहले ही दिल्ली कैपिटल्स का नेट था, दोनों सेंटर विकेट को प्रैक्टिस करते हुए हमने दिल्ली कैपिटल्स में बहुत ही अच्छा एक जगू देखा, जिसमें हमने ये देखा कि सपोर्ट स्टाफ शेन वॉटसन, जो पहले IPL के अंदर रह चुके हैं, उनकी अच्छी खासी लंबी बातचीत चली ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट अभिषेक पुरेल के साथ, और उसके बाद पुरेल पूरे लय में नजर आए, प्रॉपर मिडल कर रहे थे बॉल को और उनके शॉट्स भी बहुत अच्छे दिख रहे थे दूर से। और इसके पहले जब वो नेट्स के बाहर अपना विकेट कीपिंग ड्रिल कर रहे थे, हम लकी थे कि हमें उनका एक पूरा कार्टवील देखने को मिला, जिसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि पुरेल अच्छी तरीके से तैयार है अगला चैलेंज फेस करने के लिए। हमने प्रवीण आमरे से ये भी पूछा था कि क्या आगे चलकर क्या सरफराज खान को वापस विकेट कीपिंग में मौका मिल सकता है, उन्होंने इसका यही जवाब दिया था कि पिच की उछाल पर इसका निर्णय लिया जाएगा, अगर पिच पे उछाल कम है ज्यादा है उस तरीके से एनालाइज की जाएगी कंडीशन, देन दे विल बी टेकिंग अ डिसीजन दैट होम टू फील्ड ईदर अभिषेक पुरेल और सरफराज खान। बट एज ऑफ नाउ जितना भी हमने प्रैक्टिस सेशन देखा, हमें मुंबई की टीम में वो स्पार्क उतना नजर नहीं आया, बट फॉर द व्यूअर्स इट्स अ गुड न्यूज दैट रोहित शर्मा इज इन अ वेरी गुड निक और वो काफी अच्छा बैटिंग कर रहे थे। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो बॉलर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बॉलर्स आज हमने देखा हेनरिक नौकिया बहुत ही अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ही लय उनका अच्छा खासा बना हुआ था। वहीं अगर हम मुंबई की बॉलिंग की बात करें तो हमने कुछ ऐसे सवालों को देखा जिनका डेब्यू होना अभी बाकी है, उनमें से एक थे अर्जुन तेंदुलकर। जी हाँ, अर्जुन तेंदुलकर नेट्स में एकदम तेज तर्रार बॉलिंग कर रहे थे और उनको खेल रहे थे रियोल ब्रावेस, उनकी बैटिंग भी हमें काफ़ी अच्छी नजर आई, वो भी काफ़ी लय में लगे, लेकिन अब
ये प्रैक्टिस कितना वो मेन गेम में दिखा पाते हैं ये हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट टेस्ट।